अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आप खैरियत से हैं? ये मैं आई हूँ जी काम से, अपनी जॉब से फारिग होके कमाल आई हूँ। मुझे एक दो चीज़ें घर के लिए लेनी थी, बच्चों के लिए, तो वही परचेजिंग करने आई हूँ। और ये देखें, ये जी ये कमाल है, ये बदर पर है ये स्टोर। तो यहाँ पे मैं फ्रोज़न आइटम देख रही थी कि कोई मुझे शामी कबाब मिल जाए, लेकिन मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जी KNN के लूँ, किसके लूँ, क्योंकि इनके पास एक दो ही थे कुछ ना, KNN के थे और कोई ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं थी कबाब। तो मुझे नहीं वो हुआ कि जी मैं क्या लूँ। तो इस वजह से जो है मैं एवरीडे, और ये जो बन है ये मैं ले चुकी थी, तो मैंने कहा चलें जी टिशू रोल किचन के ले लें। वो मैं फिर चेक करने के लिए आगे गई कि कहाँ इन्होंने टिशू रोल और ये सब रखा हुआ है। तो ये जी मैं अब टिशू रोल ढूँढ रही हूँ यहाँ पर कहाँ है। ये मैंने एवरीडे लिया है, बच्चे चाय में एवरीडे पीते हैं। ये बर्गर बन लिए हैं और अब मैं जी यहाँ पे जाऊँगी देखने के लिए कि टिशू रोल इन्होंने कहाँ पे रखे हुए, किचन रोल, और जी कि कहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ घूमना पड़ा, एक तो क्राउड बहुत हो रहा था, ये बिल्कुल बंद करने का टाइम है। ये तो 7 बजे तक खुला हुआ था खैर, लेकिन ये बंद करने के ही, क्लोजिंग का ही इनका टाइम था। तो ये मैं देख रही थी कि जी कहाँ पे ये मुझे चीज़ें अवेलेबल होंगी। इनकी 3-4 लेन्स हैं तो मैं उसी में चेक कर रही थी। और जी ये कौन है इधर? सुने दो टिशू रोल मुझे उतार दें जरा, किचन टिशू रोल जरा उतार दें। बस जी ये देखें यहाँ पे इनके और टूथब्रश किधर है जी? जो है काफ़ी जो है चीज़ें बेहतर मिल जाती हैं, मतलब हर चीज़ की वैरायटी होती है। मैं यहाँ पे देख रही थी क्लोज़अप टूथपेस्ट, मेरे बेटे ने कहा था कि जी क्लोज़अप टूथपेस्ट लाएं, तो वो मुझे जो है नहीं मिल रही थी। ये बड़ा साइज़ था और हम लोग करते हैं पॉरहेंस यूज़, तो मुझे छोटा साइज़ नहीं मिल रहा था क्लोज़अप का। तो फिर जी मैं गई आगे, उनसे पूछा मैंने कि जी कहाँ पे है किचन रोल टिशूज़। तो वो अब देखें, एक तो इसी टाइम सबने आना है, मतलब इतना क्राउड के टाइम ही लोग एंटर होते हैं, लोगों को पता है कि ये टाइमिंग है, लेकिन फिर भी जो तो एक और उतारते हैं, यही टाइम पे लोग आ रहे होते हैं ना। तो अब ये हैं इनके, इनसे मैंने कहा कि जी आप मुझे निकाल के दें कहाँ पर है टिशू रोल, मुझे तो नहीं नज़र आ रहे थे इतनी देर से। और टूथब्रश किधर है सुने? तो जी फिर इन्होंने ये मेरे ख्याल में टिशू रोल ऊपर से उतार के मुझे दे रहे हैं। राइट हैंड कोने में ये इन्होंने टिशू रोल मुझे दे दिए। और फिर अब मुझे लेना था अपना ब्रश, टूथब्रश, जो कि मेरा बहुत ख़राब हो गया, और मैंने लिख लिया डेंटिस्ट का ही। तो उन्होंने कहा कि जी कॉर्नर में रखा है, तो वही मैं देख रही थी कि जी कहाँ से मैं लूँ अपना। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये डेंटिस्ट का है सॉफ्ट वाला, ये वाला देखिए। तो मैंने ये डेंटिस्ट का सॉफ्ट और हार्ड लगा हुआ है, वो नॉर्मल इसकी जो है बिलिंग करानी थी। तो मैं ये ब्रश लेके फिर मैं मूव हुई दोबारा, और फिर मैंने कहा कि जी बिलिंग पे इतना रश हुआ हुआ था, समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलिए जी बिलिंग का वेट करते हैं। तो मैं जा रही हूँ बिलिंग कराने, और देखें जी बिलिंग में जो है इतना क्राउड है बिलिंग में। 3 इनके काउंटर्स हैं और तीनों पर ही क्राउड था। ये बैठी है इसके अलावा भी मेरे 3 इनके काउंटर हैं। ये मैंने जी फिर बिलिंग कराई, और जी बिलिंग करा के जो है मैं फिर बिलिंग करा के जो है फिर मैं बाहर निकलने के लिए भी मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, इतने लोग लाइनें लगा के खड़े हुए थे ना। तो मैंने कहा जी मैं बाहर निकली तमाम चीज़ें लेके, मैंने ये चीज़ें ली और फिर मैं निकलने के लिए। वीडियो आप देखिए कैसी लगी आपको, पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके।